अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं रूटीन शेयर करने लगी हूँ आपके साथ, क्लीनिंग से, डस्टिंग से, आज का मॉर्निंग रूटीन। और शहरी वगैरह हमने खा ली थी, उसके बाद में मैंने मॉर्निंग की क्लीनिंग से व्लॉग स्टार्ट किया है। और सारी डस्टिंग करने के बाद में, चीज़ों को समेटने के बाद में, मैं ये बेडशीट को सेट करने लगी हूँ। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये बेडशीट कैसी लग रही है आपको। और मुझे तो ये वाली बेडशीट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। और ये बेडशीट हो गई है मेरी सेट। और वाटर बॉटल मैं हमेशा यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अगर बाहर से आता है तो उसे हमेशा मैं ठंडा पानी नहीं देती हूँ फ्रिज का, तो एक बोतल इसलिए मैं बाहर ही रखती हूँ पानी की। और ये मैंने ड्रेसिंग को भी क्लीन कर दिया है। और ये देखें, उसने एक स्टिकर यहाँ पर लगाया है मोम और हार्ट करके, और इसमें उसने कलर भी किया था। और बेडशीट वगैरह मेरी झाड़ती थी मैंने, और उसके बाद में मैंने लगाने लगी हूँ झाड़ू। और बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है आजकल, तो सबसे पहले मैं लगा लूँगी झाड़ू अच्छे से, और उसके बाद मैं लगाऊँगी पोंछा, उसके बाद मैं मॉप लगा लूँगी। और ये मैंने क्लीनिंग की है सामने सेकंड रूम तक, और ये मैंने दिखाया नहीं है, अभी मैं इसी रूम से वीडियो ले रही हूँ। और मैंने यहाँ से क्लीन करने के बाद किचन से करके और सामने वाले रूम से भी क्लीन किया है, और उसके बाद मैंने इसी तरह से मोप भी इसी तरह से लगाया है अच्छे से। और इस रूम में से लगाने के बाद, किचन से क्लीन करने के बाद, फिर मैंने सामने वाले रूम से क्लीन किया है। और उसके बाद सीधा मैं शाम का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये लिया है मैंने एक कढ़ाई में ऑयल, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा उसमें ऐड कर लिया है और थोड़ा सा हींग। और उसके बाद मैंने सीधा ही गोभी आलू की सब्ज़ी को फ्राई करने लगी हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। और गोभी आलू की सब्ज़ी मैं अलग स्टाइल में बनाती हूँ, बट आज मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, थोड़ी सी लाल मिर्च की चटनी मैंने इसमें ऐड की है। मैंने सोचा था कि इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट स्किप कर दूँगी, बट मैंने लास्ट में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट उसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा हींग भी मैंने ऊपर से डाला है, और थोड़ा सा ऐड किया है मैंने सॉल्ट। और उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च कट करके रखी थी, तो मैंने वो भी ऐड कर दी हैं। और अच्छे से फिर इन सभी मसालों को एक साथ से मैं मिक्स कर लूँगी। और एक होममेड मसाला मैंने, सब्ज़ी मसाला बना के रखा था घर पे, तो वो मैंने इसमें ऐड किया था और ऊपर से इसको कवर कर दिया था। और उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ बैटर, जो कि चटनी मैंने पीस के रखी है उसी को मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और थोड़ा सा स्मूथ बैटर बनाने के बाद में, स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद में, मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा चाट मसाला। और थोड़ा सा मुझे पेस्ट ये थिक लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा इसे और पतला कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने वाटर इसमें फिर से ऐड किया है, और फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और फिर मैंने एक आलू को इसमें कट कर लिया है, जैसे स्लाइसिस में कट करके बनाती हूँ पकौड़ी वैसे ही। और मैं ज़्यादा आलू की पकौड़ियाँ नहीं बना रही हूँ इस टाइम। और इसमें मैंने एक प्याज लिया है, और प्याज को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, गोल स्लाइसिस इसके मैंने किए हैं लच्छे वाले। मैं बनाने वाली हूँ लच्छे वाली प्याज की पकौड़ी, और इनको मैं इस तरह से कट करने के बाद, ये देखें मैंने कितनी मोटी इनको कट की है। और इसके बाद में मैंने ये बेसन का डब्बा खाली हो गया था, मेरा पुराना वाला बेसन ख़त्म हो चुका था, तो मैंने डब्बे को वॉश करके रख दिया है। उसके बाद साथ ही साथ मैं गैस को भी क्लीन करती जाऊंगी, और सब्ज़ी मेरी हो गई थी रेडी, तो उसके साथ मैं बनाने लगी हूँ पराठे गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ।
और ये पराठे मैंने नहीं खाए थे, मैंने अपने लिए रोटियां बनाई थी और ये मैंने पराठे बना रही हूँ। मुझे सिंपल वाले गोल वाले पराठे तो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं इसी टाइप के पराठे बनाकर देती हूँ अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को भी। तो ये मैंने ट्रायंगल शेप के पराठे बना लिए हैं गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को भी काफ़ी पसंद आए थे। और सूखी सब्ज़ी के साथ अच्छी लगती हैं पूरियां और पराठे वगैरह, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। बट पूरियां अभी मैं नहीं बना रही थी, ताकि रमज़ान है और फिर प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, प्यास ज़्यादा लगती है पूरियों से, तो इसलिए मैंने पूरियां नहीं बनाई थी, तो मैंने पराठे बना दिए थे। क्योंकि पूरियों को हम बनाते हैं ऑयल में डीप फ्राई करके, तो मैं स्किप कर रही हूँ अभी इस तरह की चीज़ें। और इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपके साथ शहरी का रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और सुबह में इतनी जल्दी होता है कि मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, तो ये डब्बा मेरा अच्छे से सूख गया था, उसके बाद में मैं इसमें बेसन निकालने लगी हूँ, और जो कि मैं डीमार्ट से लाई थी, और पहले वाला बेसन ख़त्म करने के बाद ही मैंने इसमें नया बेसन भरा है डब्बे में, अच्छे से वॉश करने के बाद में डब्बे को। और बाकी जो बेसन मेरा बचता है उसको मैं इसी तरह से रैप करके रख दूँगी, और जब ये मेरा डब्बा फिनिश हो जाएगा फिर से मैं एक डब्बा इसमें भर लूँगी, और ये मैं अब शरबत बनाने लगी हूँ। और साथ साथ में मैं अपने और बाकी के काम भी करते जा रही हूँ, अब तैयारी वगैरह भी रखते जा रही हूँ और कट करते जा रही हूँ, और ये वाला शरबत मैं बनाती हूँ। और ये जो मैंने प्याज की लच्छे वाली पकौड़ियाँ जो मैं बना रही हूँ, और ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्रिस्पी क्रिस्पी और क्रंची सी, अच्छा टेस्ट इनका आ रहा था, और ये मुझे भी काफ़ी पसंद है। और बट मैं नहीं खा सकती थी अभी, तो इसलिए मैंने थोड़ी ही बनाई थी, ज़्यादा मैंने नहीं बनाई हैं, और इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैं अलग अलग चीज़ें बना रही हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ खा खा कर हम बोर हो जाते हैं, और तो इसलिए थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बनानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी और अलग अलग चीज़ें हमें बनानी चाहिए। तो ये एक बैच हमारा हो गया है फ्राई, तो अभी जितना और बैटर बचा हुआ है वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी, और मैं बहुत थोड़े तेल में इनको फ्राई कर रही हूँ। और आलू की पकौड़ियाँ भी मैंने आज बनाई हैं, बट वो बहुत थोड़ी सी मैंने बनाई हैं, और ये एक स्पून मेरा रखा था जो टूट गया है मुझसे, और ये मैं फ्लिप करते जाऊँगी इन पकौड़ियों को, अच्छे से क्रिस्पी करते जाऊँगी, और उसके बाद में अभी थोड़ा सा टाइम बचा है इफ्तार के लिए, तो ये मेरी पकौड़ियाँ हो गई हैं रेडी। और इसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए बर्गर के लिए पैटी बनाकर तैयार करी थी, और उन्हें एक साइड पर मैंने रख रखी थी, तो मैं एक एक करके उन्हें सेक रही थी, तो इनको भी मैंने हल्के से फ्राई करके रख लूँगी, और जब मेरे बेटे का मन होगा उसको मैं बना कर दे दूंगी। तो ये इफ्तारी होगी हमारी रेडी, और ये देखें इफ्तारी हमारी हो गई है रेडी, और हमारा रोज़ा इफ्तार का टाइम हो चुका है। और हमने रोज़ा खोलने के बाद में थोड़ी सी वीडियो ये शूट की है, और आ जाइए आप भी सब इख्तियार कर लीजिए, और ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है, पानी की शिद्दत इतनी होती है कि ऐसा मन करता है सिर्फ पानी ही पीते रहें, पेट बिल्कुल फुल हो जाता है पानी पीकर।
और फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद में खाना खाने के लिए बिल्कुल भी पेट में गुंजाइश नहीं होती है। बट पानी पीने का मन होता रहता है कि पानी पिया जाए और पानी पिया जाए। और उसके बाद हमने पढ़ी थी मगरिब की नमाज़, और उसके बाद हो गया था हमारा इशा की नमाज़ का टाइम। उसके बीच में मैंने कुरान की तिलावत भी की थी, पारा भी मैंने पढ़ा था। उसके बाद मेरे बेटे की फरमाइश थी कि आज पिज़्ज़ा बना दे मम्मा, तो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। और ये देखें, आज मैंने वेजीज कुछ ज़्यादा इसमें डाली हैं, और ये अलग तरह से मैंने बेक किया था, और ये कढ़ाई पिज़्ज़ा बनाया था मैंने, तवा पिज़्ज़ा नहीं बनाया है, ये कढ़ाई में बनाया था ये वाला पिज़्ज़ा मैंने। बेस मेरे पास दो थे, एक बेस मेरा बचा हुआ था, मैंने उसी बेस को यूज़ किया है। तो ये हो रही है हमारी पिज़्ज़ा पार्टी, जो कि काफ़ी टेस्टी बनकर ये भी रेडी हुआ था और काफ़ी यमी लग रहा था। तो हम और हमने चॉपिंग बोर्ड पर ही इसे कट किया है और वहीं पर इसे खाना शुरू कर दिया है। प्लेट्स भी नहीं ली हैं हमने, और इतना मज़े का ये बना था। और ये देखें, सबसे ज़्यादा मेरा बेटा एंजॉय करता है इन सब चीज़ों को। तो बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करनी चाहिए, बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा फील होता है, बच्चों के साथ खाने का मन भी होता है ऐसी चीज़ें। और अगर आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।